Hello guys, welcome to ATP Star. In this lecture, we are going to discuss about the very much important topic, that is cancer या neoplasia. जो cancer होता है उसी का दूसरा नाम होता है, इसको neoplasia भी कहते हैं. Okay? तो guys, आज आपको समझने की जरूरत है neoplasia या cancer का meaning क्या होता है. देखिए, neoplasia का मतलब होता है neo मतलब new और प्लेसिया मतलब ग्रोथ. नई सेल्स की जो ग्रोथ होती है वो neoplasia कहलाता है. लेकिन ये पूरी डेफिनेशन नहीं है. अब हम उसको neoplasia, नई सेल की ग्रोथ है वो तो हमारी बॉडी के अंदर होती ही है, फिर वो अलग कैसे है, फिर वो डिजीज कैसे है. तो गाइज, कैंसर या neoplasia के अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल की. लेकिन जो सेल की जो ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है. अनकंट्रोल से मतलब क्या है, अनकंट्रोल से मतलब है नॉर्मल सेल को जब स्टिमुलेशन मिलता है तो वो ग्रोथ करती है, जब स्टिमुलेशन बंद हो जाता है तो वो ग्रोथ करना बंद कर देती है. लेकिन कैंसर वाली जो सेल होती है, कैंसरियस जो सेल होती है, स्टिमुलेशन के खत्म होने के बाद, यानी कि स्टिमुलेशन का जब सेसेशन हो जाता है तो स्टिमुलेशन के सीज होने के बाद भी वो सेल एबनॉर्मल ग्रोथ करती रहती है. ओके? और वो एबनॉर्मल जो ग्रोथ होती है वो आगे चल के ट्यूमर बना लेती है और वो आगे कैंसर बन जाता है. ओके? हम आपको बताएंगे ट्यूमर्स के भी टाइप होते हैं, बेनाइन ट्यूमर होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, वो बाद में बताएंगे. तो पहले आप डेफिनेशन समझें कि कैंसर या neoplasia किसे कहते हैं. ओके? तो एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल्स वो क्या कहलाता है, अनकोऑर्डिनेट वे में होती है, वो क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है. अब गाइस, ये कैंसर हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल नॉर्मल सेल डिवीजन तो हो ही रहा था. तो ये कैंसर होता है, आप सब लोग जानते हैं कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं. तो गाइस, कैंसर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं म्यूटाजेंस, राइट. तो म्यूटाजेंस बाद में डिस्कस करेंगे. मान लीजिए म्यूटेशंस आप सब लोग जानते हैं, म्यूटेशंस कुछ भी हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, राइट, रेडिएशंस वगैरह हो सकते हैं, वो सब बाद की बात है. आप ये समझे पहले कि हमारे जो मॉलिक्यूलर जो बेसिस पर जो हुआ होगा इन म्यूटेशंस की वजह से हमारे सेल के फंक्शन पर किस तरीके से, किस जीन के अंदर क्या चेंज हुआ होगा, राइट, उसको समझने की आपको जरूरत है. देखिए, होता क्या है, हमारी सेल में जीन होते हैं, आपने सुना होगा P54 जीन होता है. P54 एक्चुअल में करता क्या है, P54 एपोप्टोसिस कराता है. एपोप्टोसिस कराने की जरूरत क्या है, मान लीजिए सेल्स के अंदर म्यूटाजन की वजह से उसके डीएनए के अंदर कोई चेंज हो गया है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर कुछ चेंज हो गया है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर या ट्रांसलेशन लेवल पर कुछ चेंज हो गया है, तो किसी भी लेवल पर, मॉलिकुलर किसी भी लेवल पर कोई एबनॉर्मलिटी आ गई है, तो वहां पर क्या करता है, P54 उस सेल की डेथ के लिए सिग्नल देता है, उस सेल को डेथ करा दीजिए, यानी कि सेल को खुद ही हमारी बॉडी मार देती है, तो वो एपोप्टोसिस कहलाता है. एपोप्टोसिस के अंदर ब्लड सप्लाई का कोई लेना देना नहीं, आप ये सब नहीं सोचे कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं है, ब्लड सप्लाई है उस सेल के अंदर. ध्यान रखिए, कोई नेक्रोसिस नहीं हुआ है, सेल अपने आप, हमारी जो बॉडी है जब उसमें एनॉर्मलिटी हुई, जब उसमें म्यूटेशन हुआ, तो उस म्यूटेशन से वो आगे नहीं बढ़े तो हमारी बॉडी खुद ही उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है, वो एपोप्टोसिस है, राइट. तो P54 जीन जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो खराब सेल जो बन गई है उसको मार दिया जाए, उसका एपोप्टोसिस करा दिया जाए. लेकिन जब कैंसर होता है तो म्यूटाजन की वजह से ये जो P54 जो जीन होता है ये डिसेबल हो जाता है, ये अपना काम नहीं कर पाता. समझे ना बात को, जब P54 सेल, P54 जो जीन जो होता है वो अपना काम नहीं कर पाता है, इसका मतलब सेल के अंदर जो एबनॉर्मल जो सेल है जो कि मर जानी चाहिए, जिसका एपोप्टोसिस हो जाना चाहिए, उस सेल का एपोप्टोसिस नहीं हो पाता और वो सेल ग्रोथ करती रहती है. ओके? तो मॉलिकुलर बेसिस पर कैंसर का जो रीजन होता है वो P54 जीन होता है, उसका फंक्शन अल्टर हो जाता है, वो सप्रेस हो जाता है. अब और क्या अलग है, अपन यदि अपन कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में अपन देखने जा रहे हैं तो और हमें और क्या अलग लगा, क्या नया है. तो देखिए, नॉर्मल जो हमारी सेल होती है, ये जो वर्ड आपने सुना होगा एनसीईआरटी के अंदर जो वर्ड है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. तो गाइस, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ये है, आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं. मान लीजिए कोई छोटा सा डब्बा है और उसमें हम मान सकते हैं, इधर अज्यूम करके देख लीजिए, बस जस्ट अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए उसके अंदर 8 सेल्स आ सकती है, छोटा सा कोई एरिया है, इसके अंदर 8 सेल्स आ सकता है. अब ये जो 8 सेल्स हैं, अब एक दूसरे के आ चुके हैं, कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं. जैसे एक कॉन्टैक्ट में आती है, इनको स्टिमुलेशन मिलता है, एक अब सेल डिवीजन को बंद कर दीजिए. जैसे मैंने आपको बताया कि स्टिमुलेशन मिलता है सेल डिवीजन के लिए, राइट, कब सेल डिवीजन चालू करना है, कब सेल डिवीजन बंद करना है. तो अब इनके लिए स्टिमुलेशन मिल चुका है, अब 8 सेल्स आया था, इन्होंने अपना डिवीजन बंद कर दिया, इतना ही सेल्स के अंदर रहेगा, 8 आया तो 8 तक सेल डिवीजन रुक गया. ये तो नॉर्मल सेल के अंदर है, यानी कि नॉर्मल सेल के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. लेकिन जब सेल
कैंसरियस हो जाती है, तो कैंसर के अंदर क्या होता है, इसका लॉस हो जाता है। गैस के अंदर कैंसर वाली जो सेल होती है उसके अंदर लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, यानी कि सेल कॉन्टेक्ट में आने के बाद भी, मैंने कहा ना आपको स्टिमुलेशन के सीज होने के बाद भी लगातार ग्रोथ होती रहती है सेल की और वो कैंसर को प्रोड्यूस कर देता है। ये इसका मीनिंग है कि जो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का लॉस हो जाता है कैंसर सेल के अंदर। गॉट इट? अब जब लगातार जब सेल डिविजन होता रहेगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा गाइस, ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्यूमर्स बन जाएंगी, गांठें बन जाएंगी, राइट। अब ये जो ट्यूमर्स होते हैं इसके दो टाइप होते हैं, एक ट्यूमर होता है बेनाइन और एक ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट। अब हम आपको बताएंगे हम सच में जिसको अपन कैंसर कह रहे हैं जो हमारे लिए जानलेवा है वो होता है मैलिग्नेंट, ओके। बेनाइन को तो हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए आपको समझना आपकी जरूरत है आगे, बेनाइन और मैलिग्नेंट में क्या डिफरेंस है, कैसे ये हमारे लिए मैलिग्नेंट डेंजरस होता है। गाइज ये जो बेनाइन जो ट्यूमर होता है, ये बेनाइन ट्यूमर ग्रोथ तो करेगा लेकिन ये ग्रोथ लिमिटेड एरिया में करता है, जहां तक उसको स्पेस मिलता है ये वहां तक ग्रोथ करता है, ये अंदर सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर नहीं घुसता, ओके। तो ये सराउंडिंग सेल्स के अंदर, सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर इन्वेड नहीं करता, ध्यान रखना, ओके। तो ये इन्वेजन नहीं दिखाता है, ये इन्वेजन नहीं दिखाता, सराउंडिंग टिश्यूज को डिस्ट्रॉय नहीं करता, मतलब आगे की तरफ नहीं फैलता है, सराउंडिंग टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करते हुए अंदर की तरफ डीपली नहीं जाता है, लेकिन इसके अंदर जो जो डेंजरस जो प्रॉपर्टी है वो होती है इन्वेजिव, इन्वेजिवनेस शो करता है कौन, मैलिग्नेंट। इनको जो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है ये सिर्फ अपने पर्टिकुलर एरिया में सीमित नहीं रहता, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता है, सराउंडिंग जो भी टिश्यूज होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाता है और फैलता चला जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, सराउंडिंग टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करते हुए अंदर तक फैलता चला जाता है और पूरी बॉडी में फैल सकता है, ये कहलाता है मैलिग्नेंट का कौन सा प्रॉपर्टी, दैट इज वेरी डेंजरस प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो ये वो वर्ड है जिसे अपन मेटास्टेसिस कहते हैं। तो मेटास्टेसिस जो होता है बहुत ही ज्यादा डेंजरस प्रॉपर्टी होता है और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर पाया जाता है और यही हमारे लिए क्या है, डेंजरस है, लिथल है, यही जानलेवा होता है। यदि बेनाइन ट्यूमर है तो बेनाइन ट्यूमर डेंजरस नहीं होते, ध्यान रखना मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होते हैं वही डेंजरस होते हैं और वही हमारे लिए खतरा होते हैं, बेनाइन ट्यूमर हमारे लिए खतरा नहीं होते। हाँ ये अलग बात है कि बेनाइन ट्यूमर बाद में मैलिग्नेंट में कन्वर्जन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी हमारी सेल होती है, किसी भी सेल का यदि म्यूटेशन की वजह से म्यूटेशन हुआ तो उसके अंदर कैंसर हो सकता है। अब हम आपको समझते हैं आगे, आप देखने की जरूरत है आपको कि हमारे सब को भी नॉर्मल जो भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी हम ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं, हमारे दिमाग में होता है कि कोई स्मोकिंग करता है या कोई एल्कोहलिक पेशेंट है तो उसके अंदर कैंसर होगा, लेकिन जो नॉर्मल जो पेशेंट है या कि नॉर्मल है उसके अंदर कोई भी स्मोकिंग का कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उसके अंदर कैंसर नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर कई बार कैंसर हो जाता है, आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि जिन जो कैंसर ऐसे पेशेंट के अंदर हो गया है जो कि स्मोकिंग नहीं करते हैं, है ना, जो कि तंबाकू वगैरह उसका कोई भी सेवन नहीं करते फिर भी उसके अंदर कैंसर हो गया है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है सब ह्यूमन बीइंग के अंदर कैंसर सेल पाए जाते हैं, लेकिन वो जो कैंसर सेल जो होती हैं एक्चुअल में उनके अंदर जो कैंसर जीन होते हैं वो प्रोटा ऑन्को जीन कहलाते हैं, यानी कि वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते। तो जो कैंसर सेल हैं उनके अंदर जो जीन है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है, वो इनएक्टिव है। जैसे ही म्यूटाजन आता है तो वो जो कैंसर जीन है जो कि प्रोटा ऑन्को जीन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एबनॉर्मल ग्रोथ को बता देते हैं। जब एबनॉर्मल जो ग्रोथ होती है तो वो कैंसर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके। तो कैंसरस जो जीन होते हैं वो हम सबके अंदर हैं लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। गॉट इट? एक तो ये क्लिप बनाओ, ठीक है गाइज। इसके बाद हम बात करते हैं म्यूटेजन्स, म्यूटेजन्स क्या हो सकते हैं। तो म्यूटेजन वो होते हैं जो कि म्यूटेशन प्रोड्यूस करते हैं, राइट, जिसके लिए जो हमारे डीएनए के अंदर को अल्टर कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में अल्टर कर सकते हैं, ट्रांसलेशन में चेंज कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि जो म्यूटेजन्स जो होते हैं वो कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो म्यूटेजन्स क्या हो सकते हैं, राइट। तो देखो म्यूटेजन्स रेडिएशन हो सकता है। तो गाइज रेडिएशन के अंदर एनसीईआरटी में आपके हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको कि रेडिएशन जो होते हैं एनसीईआरटी में दो टाइप के दे रखे हैं। एक रेडिएशन ऐसे होते हैं जो कि आयनाइजिंग होते हैं, राइट, जो कि आयनाइजेशन करते हैं। एक रेडिएशन ऐसे होते हैं जो कि नॉन आयनाइजिंग होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर, ये क्वेश्चन आ भी जाएगा आपको। तो नॉन आयनाइजिंग भी होते हैं और एक आयनाइजिंग भी होते हैं। तो जो एक्सरे जो होता है, एक्सरे आपने नाम सुना होगा, गामा रेज आपने नाम सुना होगा। तो एक्सरे और जो गामा रेज होते हैं वो आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आते हैं, जबकि अल्ट्रावायलेट आपने सुना होगा, यूवी रेज, तो यूवी रेज जो होते हैं वो नॉन आयनाइजिंग के अंदर आते हैं, ध्यान रखना। तो रेडिएशन की वजह से भी कैंसर हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, उसका रिजल्ट कैंसर हो सकता है। या फिर अपन कह सकते हैं, आप देख रहे हैं वायरल ऑन्कोजीन, कुछ वायरस होते हैं जिनकी वजह से
कैंसर हो सकता है, तो उनको अपन क्या कहते हैं, वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं। ओके, हमारी हमने आपको बताया कि हमारी जो नॉर्मल सेल होती है उसके अंदर सी ऑन्कोजीन, कैंसरस ऑन्कोजीन ऊपर कहते हैं, सी ऑन्कोजीन या फिर उनको कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन ऑलरेडी पाए जाते हैं, उनमें म्यूटेशन हो गया तो वो कैंसरस ऑन्कोजीन बन सकते हैं, राइट। तो प्रोटो ऑन्कोजीन नेचुरली है, बाद में वो कैंसरस ऑन्कोजीन बन सकते हैं, तो हमारे नेचुरल सेल के अंदर होता है। और कुछ वायरस होते हैं तो वायरस की वजह से भी हमको कैंसर हो सकता है। कई बार क्या होता है, कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, ध्यान रखना, कुछ फिजिकल फैक्टर भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कश्मीर में क्या होता है, कश्मीरी उनको जिनके जिन पेशेंट के जो टीथ होते हैं, इनसाइजर टीथ वगैरह जो होते हैं वो लंबे होते हैं, लॉन्ग टीथ होते हैं, तो जो लॉन्ग टीथ की वजह से भी क्या होता है, टंग का कैंसर होने के चांसेस होते हैं। वो इतना आपको जानकारी की जरूरत नहीं है, फिर भी जस्ट बता रहा हूँ आपको, फिजिकल भी उसका कोई फीचर हो सकता है, यानी कि लॉन्ग टीथ है उसकी वजह से टंग कैंसर होने के, लॉन्ग टीथ कॉजेस टंग कैंसर, है ना। उसका भी क्या होता है, जो भी कैंसर होता है उसका मॉलिक्यूलर बेसिस होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल लेवल पर कोई ना कोई गड़बड़ी होती है, मॉलिक्यूल लेवल पर म्यूटेशन होता है, और ये तो म्यूटेजन है होगा, इन म्यूटेजन की वजह से होगा सारा मॉलिक्यूल लेवल पर चेंज। मॉलिक्यूल लेवल पर चेंज कहाँ हो सकता है, आप सब लोग जानते हैं, देखिए पहले क्या होता है डीएनए, तो डीएनए से क्या बनता है आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है प्रोटीन, गॉट इट। तो कहां चेंज हो सकता है, कहां चेंज हो सकता है, डीएनए से जब आरएनए बन रहा होगा और डीएनए से खुद का डीएनए बनता है, राइट, इसे अपन क्या कहते हैं रेप्लिकेशन। तो गाइस आप खुद समझ सकते हैं, हो सके रेप्लिकेशन के लेवल पर कुछ चेंज हो जाए, हो सके डीएनए से जब आरएनए बन रहा होगा यानी कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर कोई चेंज हो जाए, या हो सके आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो ट्रांसलेशन लेवल पर कोई भी चेंज हो सकता है, गॉट इट। तो यहां भी कोई भी चेंज होगा तो वो सबके सब क्या होगा, वो सबके साथ म्यूटेशन को प्रोड्यूस करेगा, और ये म्यूटेशन से आगे कैंसर हो सकता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स हो सकता है, ये भी समझिए आप। दूसरा एक फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत कम आपको डिस्कस करने को मिलता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। गाइस जो कैंसर जो सेल होती है वो एक एंजाइम और ज्यादा प्रोड्यूस कराती है, उसे कहते हैं अपन टीलोमरेज, ध्यान रखना, एक एंजाइम होता है जिसे अपन कहते हैं टीलोमरेज। अब आप इसको समझने के पहले आपको ये समझने की जरूरत है, मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, मान लीजिए ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, जस्ट अज्यूम कर लीजिए आप, समझ लीजिए, देखिए तो डीएनए के जो एंड होते हैं उन एंड को अपन क्या कहते हैं, वो एंड कहलाते हैं गाइस टीलोमियर, एंड क्या कहलाते हैं टीलोमियर कहलाते हैं। ये एंड जैसे जैसे एज बढ़ता चला जाता है ये एंड छोटे होते चले जाते हैं, डीएनए छोटा होता चला जाता है, ये एंड छोटे होते चले जाते हैं, राइट। तो एक एंजाइम होता है जिसे अपन कहते हैं टीलोमरेज, ये टीलोमरेज क्या करता है, ये टीलोमरेज एंजाइम जो होता है इसकी भी धीरे धीरे कमी होती चली जाती है और ये जो टीलोमियर हैं वो नष्ट होते चले जाते हैं। लेकिन जो कैंसर वाले जो सेल है यानी कि जो कैंसरियस जो सेल है, कैंसर सेल क्या करती है, कैंसर सेल टीलोमरेज को बढ़ा देती है। जब हमारी बॉडी के अंदर टीलोमरेज ज्यादा होगा तो टीलोमियर ज्यादा बनेगा, जब टीलोमियर ज्यादा बनेगा तो सेल की डेथ नहीं होगी, ध्यान रख लीजिएगा, तो सेल की डेथ नहीं हो पाएगी। जब सेल की जब डेथ नहीं होगी तो सेल ज्यादा लंबी ज्यादा अलाइव रहेगी, राइट, ज्यादा अलाइव करेगी, सेल ज्यादा डिवीजन करेगी और मोर ग्रोथ ऑफ सेल को प्रमोट करेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है नीट के अंदर, टीलोमरेज और कैंसर का क्या कनेक्शन है ना, ये कहीं भी एनसाइट में डिस्कस नहीं है और ये बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। टीलोमरेज जो होता है वो टीलोमियर को प्रिजर्व करता है यानी कि उसको अपन कंजर्व करके रखता है, उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे टीलोमरेज कम होता चला जाता है तो टीलोमियर भी छोटा होता चला जाता है सेल के अंदर, राइट। जब टीलोमियर छोटा होता चला जाएगा तो एक टाइम पे डीएनए सेल जो होगा सेल का डेथ हो जाएगा, ओके, डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन आप समझें जो कैंसर जो सेल होती है वो टीलोमरेज को ज्यादा बनाती है, टीलोमरेज और ज्यादा बनेगा तो टीलोमियर कमजोर रहेगा, ओके, तो डीएनए कमजोर रहेगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहेगी, सेल की डेथ आसानी से नहीं होगी, ओके। तो कैंसर को क्या चाहिए, सेल का ग्रोथ एबनॉर्मल चाहिए, सेल का और ज्यादा ग्रोथ चाहिए, तो आराम से और ज्यादा ग्रोथ कर पाएगा तो यही कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कैंसर्स और नोमेनक्लेचर ऑफ द कैंसर, जो कैंसर के टाइप कितने होते हैं और उनका नाम क्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं एक कैंसर का टाइप होता है जिसे हम कहते हैं कार्सिनोमा। तो जो कार्सिनोमा जो वर्ड है वो किसके लिए यूज करते हैं, यदि कैंसर का ओरिजन, कैंसर का ओरिजन एपिथेलियल टिश्यू से होता है, यानी कि ऐसा कैंसर जो कि ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से, ओरिजन कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियम का या एपिथेलियल टिश्यू का जो भी कैंसर होगा उसे हम क्या नाम देंगे, उसके लास्ट में क्या लिख देते हैं, कार्सिनोमा। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, आपने नाम सुना होगा ब्रेस्ट कैंसर, राइट, तो उसे क्या कहेंगे अपन, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, गॉट इट। आपने सुना होगा ओरल कैंसर तो उसे अपन क्या कहेंगे, ओरल कार्सिनोमा, गॉट इट। और आपने सुना होगा प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, राइट,
तो वो सब क्या है, कार्सिनोमा है। लंग्स हुआ तो मैं स्पीच लिखूंगा लंग कार्सिनोमा, ओके। और प्रोस्टेट है तो प्रोस्टेट कार्सिनोमा, गॉट इट। और यदि सर्वाइकल का हुआ है तो क्या कहेंगे अपन, सर्वाइकल कार्सिनोमा, सर सर्वाइकल कैंसर आपने सुना है तो सर्वाइकल कार्सिनोमा है एक्चुअल में। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, और ज्यादा से ज्यादा कार्सिनोमा वर्ड जो किसके लिए यूज करते हैं, ऐसा कैंसर जिसका ओरिजिन एपिथेलियल टिश्यू से हुआ है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, जो वर्ल्ड वाइड अपन देखते हैं, यानी कि अपन वर्ल्ड वाइड देखते हैं, यानी कि वर्ल्ड में देखते हैं, तो इन वर्ल्ड मेल और फीमेल, राइट। तो मेल के अंदर कौन सा कैंसर है जो कि मोस्टली पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो मेल के अंदर वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं अपन तो प्रोस्टेटिक कैंसर आंसर जाता है, राइट। तो इसको क्या कहेंगे, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, राइट। और जो फीमेल है तो फीमेल के अंदर ब्रेस्ट जो कार्सिनोमा होता है वो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा पाया जाता है, गॉट इट। दूसरा टाइप होता है गाइस, दूसरा टाइप होता है इसका सार्कोमा। पहला टाइप क्या पढ़ा आपने, कार्सिनोमा, दूसरा टाइप होता है सार्कोमा। तो जो सार्कोमा जो होता है उसका जो ओरिजिन होता है, जैसे यहां पर क्या था, एपिथीलियम था, तो वहां पर जो ओरिजिन जो होगा वो होगा कहां से, मेसोडर्मल ओरिजिन होगा, यानी कि मेसोथीलियम से ओरिजिन होगा, या इसको क्या कहेंगे, मेसोडर्मल ओरिजिन है। तो मेसोडर्म से जो भी ऑर्गन बने हैं उनके अंदर जो कैंसर होता है, यानी कि मेसोडर्म का जो कैंसर होता है उसके पीछे पर क्या यूज करते हैं, सार्कोमा सफिक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बोन के अंदर कैंसर हुआ है, मान लीजिए मसल के अंदर हो गया है, या फिर मान लीजिए लिम्फ के अंदर हो गया है, तो बोन को अपन कहते हैं ऑस्टियो वर्ड जो होता है बोन के लिए यूज किया जाता है। ऑस्टियो पीछे क्या लगाना है, सार्कोमा, तो क्या हो जाएगा, ऑस्टियो सार्कोमा। ऐसे ही मसल है तो मसल के लिए यूज करते हैं अपन मायो वर्ड, पीछे क्या लगाएंगे, सार्कोमा, तो मायो सार्कोमा। ऐसे ही लिम्फ है तो लिम्फ के पीछे क्या लगाना है, तो क्योंकि ये लिम्फ नोड्स हैं, राइट, तो लिम्फ नोड के लिए जो कैंसर होता है उसको कहते हैं लिम्फो सार्कोमा, गॉट इट। तो क्लियर हो जाना चाहिए, जो सार्कोमा जो वर्ड होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन वाले कैंसर के लिए अपन सार्कोमा यूज करते हैं, और एपिथेलियल वाले ओरिजिन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कार्सिनोमा वर्ड यूज करते हैं, ओके। अब एक और होता है जो कि ब्लड का कैंसर होता है ना, जैसे अपन ब्लड कैंसर कहते हैं, हेमेटोपोएटिक सेल के लिए होता है, तो उसे अपन कहते हैं ल्यूकेमिया, आपने सुना होगा ल्यूकेमिया, और आपने सुना होगा लिम्फोमा। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझना है आपको। देखिए जो हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन होता है हेमेटोपोएटिक सेल, यानी हेमेटोपोएटिक, यानी हेमेट यानी ब्लड, पोएटिक मतलब फॉर्मेशन कराने वाली सेल, राइट, जो ब्लड सेल्स बनाती हैं, आरबीसी बनाती है, डब्ल्यूबीसी बनाती है, और प्लेटलेट्स बनाती हैं। अब ल्यूकेमिया और लिम्फोमा दोनों को बच्चा एक समझ लेता है, ऑलमोस्ट एक है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए ल्यूकेमिया जो होता है ये एक्चुअल में ब्लड का कैंसर है, यानी कि जब जो भी अपनी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो भी अपने मतलब ब्लड सेल्स हैं, यानी कि मान लीजिए डब्ल्यूबीसी वगैरह हैं, वो कहाँ है फिलहाल, ये कहाँ इनका इंक्रीजमेंट हुआ है, ब्लड के अंदर हुआ है, तो ये ब्लड से रिलेटेड होता है ल्यूकेमिया। जबकि लिम्फोमा जो होता है, जब यही सेल्स जब इनका जो नंबर बढ़ जाता है लेकिन टिश्यू के अंदर बढ़ जाता है, राइट, जब टिश्यू के अंदर बढ़ गया, लिम्फ नोड के अंदर बढ़ जाता है, तो अपन कहते हैं इसको लिम्फोमा। तो ये टिश्यू के अंदर ज्यादा इंक्रीजमेंट होता है, और ये ल्यूकेमिया में ब्लड के अंदर ज्यादा डिफरेंस होता है, ब्लड के अंदर ज्यादा इंक्रीजमेंट होता है, ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। तो ल्यूकेमिया और लिम्फोमा कैंसर है, किसका कैंसर है, इट इज कैंसर ऑफ हेमेटोपोएटिक सेल। तो ये कैंसर है, इट इज कैंसर ऑफ हेमेटोपोएटिक सेल। आपने नाम सुना होगा हेमेटोपोएटिक जो सेल होती है, तो आपने अपने आसपास देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स को ब्लड कैंसर है और ब्लड कैंसर से उनकी डेथ हो जाती है। यदि आप अपने आसपास थोड़ा सा आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो थोड़ा सा यदि आप देख पाएंगे, मैं आपको आइडिया दे देता हूं, यदि पेशेंट का सीबीसी होता है और यहां पर क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है, हेमेटोपोएटिक सेल कहां मिलेंगे आपको, बोन मैरो में, राइट। तो यहां पर जो एक्चुअल में ये किसका कैंसर होता है, बोन मैरो का, राइट। तो आप ये भी समझे कि जब सीबीसी जब रिपोर्ट देखते हैं, पर कंप्लीट ब्लड काउंट जब देखते हैं, तो उसमें जो डब्ल्यूबीसी का जो नंबर है, डब्ल्यूबीसी का नंबर जो मिलेगा आपको ग्रेटर देन है कि नंबर ऑफ जो डब्ल्यूबीसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वो बढ़ता ही चला जाता है, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी ग्रेटर देन 50,000, तो 50,000 तो अपन नहीं कह सकते, और उससे भी ज्यादा रहता है, मतलब 50,000 से लेकर के ये 1.5 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 2.5 लाख हो सकता है, मतलब बढ़ता चला जाएगा, लेकिन 50 से नीचे है तो और रीजन हो सकते हैं, लेकिन 50 से ऊपर बढ़ता चला जा रहा है तो फिर सस्पेक्टेड ल्यूकेमिया कह सकते हैं, तो कंफर्म नहीं कहेंगे, सस्पेक्टेड ल्यूकेमिया है पेशेंट को, ठीक है। तो इसके अंदर डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस,
कैंसर को कैसे अपन डिटेक्ट करेंगे और क्या उसका डायग्नोसिस बनेगा, कौन सा टाइप का कैंसर है। तो देखिए कैंसर डिटेक्शन के लिए अपन सबसे पहले टेस्ट कराते हैं, तो सबसे पहले कराते हैं अपन ब्लड एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ब्लड एग्जामिनेशन अपन करा रहे हैं तो आप वहां पर देख सकते हैं, आपने देखा होगा सीबीसी कराते हैं पेशेंट की, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वहां पर क्या देखते हैं अपन, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज देखते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ जो डब्ल्यूबीसीज होता है वो बढ़ता चला जाता है, वो 50,000 से भी ज्यादा होता है या वो 80,000 से ज्यादा है, 1,00,000 से ज्यादा है, 2,00,000 से ज्यादा है। तो ये जब नंबर जो 50,000 से ऊपर चलता ही जाता है तो क्या है कि वहां पर डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये क्या कहलाता है, फिर इसको अपन कह सकते हैं रिलेटेड हो जाता है ल्यूकेमिया से, राइट। तो पेशेंट को सस्पेक्टेड ल्यूकेमिया हो सकता है, ओके, यानी कि ब्लड कैंसर उसको हो सकता है, गॉट इट। और अपन क्या देख सकते हैं, और क्या होते हैं, कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, कुछ होते हैं ट्यूमर मार्कर्स, उन ट्यूमर मार्कर्स को प्रेजेंस हम देखते हैं। यदि वो ट्यूमर मार्कर्स प्रेजेंट हैं तो हम समझ लेते हैं कि ये जो ट्यूमर है लीवर का ट्यूमर हो सकता है ना, प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है, उस तरीके से देखते हैं। जैसे एक होता है अल्फा फीटो प्रोटीन, राइट। तो जो अल्फा जो फीटो जो प्रोटीन होता है वो अल्फा फीटो प्रोटीन ट्यूमर मार्कर है, किसके लिए ट्यूमर मार्कर है, वो लीवर के लिए है। अल्फा फीटो प्रोटीन जो होता है वो लीवर के लिए ट्यूमर मार्कर होता है। एक होता है PSA यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इसको कहते हैं। ये जो आप नाम से समझ में आ गया होगा आपको, ये प्रोस्टेट के लिए है, तो राइट। तो ये कौन सा कैंसर बताएगा, ये प्रोस्टेट का कैंसर बताएगा, यानी कि प्रोस्टेटिक जो कैंसर होता है उसके लिए मार्कर होता है, उसका क्या नाम है, PSA यानी कि प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। एक होता है गाइस अल्कलाइन फॉस्फेट, एक होता है अल्कलाइन फॉस्फेट। तो जो अल्कलाइन जो फॉस्फेट होता है, अल्कलाइन या फॉस्फेटेज जो अपन देखते हैं, जो मार्कर अपन देखते हैं, ये जो मार्कर होता है, ये मार्कर होता है बोन से रिलेटेड, राइट। तो बोन का जो मेटास्टेसिस होता है यानी कि बोन का जो कैंसर होता है उसके लिए अपन चेक करते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ओके। तो ये कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस बता देती है एक स्पेसिफिक ट्यूमर हुआ है, यानी कि लीवर के अंदर हुआ है या प्रोस्टेट के अंदर हुआ है या फिर बोन मैरो के अंदर हुआ है, ओके। उसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि क्या कराते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं ना। तो वो होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल, या पढ़ोगे मेडिकल के अंदर, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, पैथोलॉजिकल हिस्टोपैथोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन है उसमें क्या करते हैं, उसमें अपन क्या करते हैं, टिश्यू लेते हैं और टिश्यू की स्लाइड बनाते हैं, ठीक है। टिश्यू की स्लाइड बनाने के बाद उसके अंदर जो सेल है उस सेल को चेक किया जाता है, सेल के अंदर क्या चेंजेस हैं, ठीक है। वो चेंजेस नॉर्मल सेल के नॉर्मल सेल जैसे हैं या फिर वो एबनॉर्मल सेल जैसे हैं, ठीक है। तब उसको देखा जाता है कि कैंसर है या नहीं है, क्योंकि कई बार कई पेशेंट के नोड्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, राइट। तो जो ट्यूमर जो बन जाता है तो लगता है उसको कैंसर, जरूर नहीं है वो कैंसर हो, हम उसको देखते हैं कि वो ट्यूमर बनाया है या फिर वो मैलिग्नेंट है, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, इसमें क्या करते हैं, टिश्यू का टिश्यू कट सेक्शन लेते हैं, ठीक है, और उसका स्लाइड एग्जामिनेशन किया जाता है ना, स्लाइड एग्जामिनेशन उसको अपन करते हैं। और हिस्टोपैथोलॉजिकल अंदर तो ये हो गया, और अपन करते हैं आप सब लोग जानते हैं एक्सरे है ना, और सीटी स्कैन, एमआरआई। तो जो एक्सरे वगैरह जो होता है उसमें जो रेडिएशन होती हैं, यहाँ पर रेडिएशन होती है आयनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि जो आयनेशन कर देती हैं, ठीक है, वो आयनाइजिंग रेडिएशन यहाँ पर अपन यूज करते हैं। आप मैंने आपको बताया पहले कि आयनाइजिंग रेडिएशन जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एक्सरे है ना। तो एक्सरे वगैरह जो होता है नाम से पता लग रहा है एक्सरे के अंदर जो होता है आयनाइजिंग रेडिएशन होता है, जबकि एमआरआई वगैरह जो होती हैं इसके अंदर हम नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं, तो ये ज़्यादा सेफ होती हैं, है ना। नॉन आयनाइजिंग जो रेडिएशन होती हैं वो ज़्यादा सेफ होती हैं। तो ये भी एक क्या है, अपन इससे अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और होता है स्मीयर्स वगैरह अपन बनाते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर हुआ है, तो सर्वाइकल कैंसर हुआ है तो वहाँ पैप स्मीयर यूज किया जाता है ना। पैप स्मीयर क्या होता है, कि स्पिचुला होता है और उसको सर्वाइकल के अंदर अपन जैसे रोल करते हैं, ठीक है। वहाँ से जो सेल साइड ऑफ हो जाती है ऊपर, जो सेल बहुत हटने वाली होती है, लूजली अटैच होती है, वो सेल उसके अंदर स्पिचुला में आ जाती है, ठीक है। फिर उसको अपन एग्जामिन करते हैं, तो पैप स्मीयर बनाते हैं। पैप स्मीयर जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज करते हैं अपन, सर्विक्स का जो कैंसर होता है, सर्विक्स कार्सिनोमा, उसके लिए यूज करते हैं अपन। एक होता है फ्रैक, ये सब आप मेडिकल में पढ़ोगे इतना आपसे पूछेगा नहीं कोई। एक होता है फ्रैक, फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, इसका पूरा नाम होता है फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। ये अपन ब्रेस्ट कैंसर के लिए करते हैं ना मोस्टली, फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। इतना आपसे नहीं पूछेगा नीट के अंदर, तो इतना नहीं पूछता है,
फिर भी बाय चांस पूछ ले तो आपको बता रहे हैं फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ये अपन ब्रेस्ट कैंसर के लिए चेक कर लेते हैं ना, ब्रेस्ट कैंसर के लिए अपन इसको करते हैं। ये सब आप पढ़ोगे फाइन निडल, इसका मेथड क्या होता है इस तरीके से, जो आपसे इतना नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके एग्जामिनेशन है जो कि आई थिंक काफ़ी हैं, ज़्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो इससे अपन पता लगा सकते हैं कि कैंसर किस टाइप का है और कहाँ का कैंसर है, उसको अपन कैसे पता लगा सकते हैं। तो गाइस अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर वैसे तो बड़ी बात है, उसके लिए तो आपको MBBS करना पड़ेगा और आगे उसमें PG करना पड़ेगा, सुपर PG करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बस आपके लेवल पर थोड़ा सा आपको समझना है कि अपन कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सर्फेसली आपको देखना है, सर्जरी कर सकते हैं पेशेंट की, एक तो ना सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं अपन ट्यूमर को, तो एक सर्जरी ट्रीटमेंट हो जाता है। एक अपन रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, है ना, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी जैसे अपन कहते हैं, राइट। तो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी हम कर सकते हैं और उसके अपन अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे अपन उसके अंदर कोबाल्ट 60 यूज करते हैं, आयोडीन 131, है ना, इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रेडियोएक्टिव होते हैं उनको अपन यूज कर लेते हैं। और अपन कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स यूज कर सकते हैं। अब एंटी कैंसर जो ड्रग होती है डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट होती हैं, है ना, कोई एक आध ड्रग नहीं होती, बहुत सारी ड्रग होती हैं। या पढ़ोगे मेडिकल में तो अपन किसी का नाम नहीं लिख सकते, यहाँ पर बहुत सारी ड्रग्स होती हैं ना। और जैसे आपकी NCERT है तो NCERT ने क्या दिया है, विनब्लास्टिन, है ना, तो आप तो बस याद रखें विनब्लास्टिन जो होता है वो एक एंटी कैंसर ड्रग है आपके NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कहीं भी मतलब जैसे मान लीजिए G1S G2 है, राइट, तो S पेज में इनका एक्शन हो जाता है, जैसे DNA का मल्टीप्लिकेशन नहीं होने देता है, राइट। तो इसका अपना सेल साइकिल में हर स्टेप पर एक्शन होता है ना, बहुत सारी जो होती हैं कहीं पर अलग स्टेप पर यूज हो रही है, कुछ अलग स्टेप पर यूज हो रही है, तो वो पूरा अलग है, वो आपके सिलेबस में इतना है नहीं, वो आपको जानने की जरूरत भी नहीं है ना। और एंटी कैंसर ड्रग आपको पता होना चाहिए, रेडियोथेरेपी यानी कीमोथेरेपी जो पर पढ़ने जा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, और सर्जरी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। कुछ इसका हो सकता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है ना, कुछ होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये भी एक तरीके का क्या है ट्रीटमेंट है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी यूज करते हैं हम। और एक होता है जो कि इम्यून सिस्टम जो होता है उसको मॉडिफाइड कर सकता है ना, इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई कर सकता है, आपने सुना होगा अल्फा इंटरफेरॉन। तो ये अल्फा इंटरफेरॉन एक्चुअल में कैसे निकलती हैं, कुछ सेल्स जो होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाती हैं, तो जो सेल इम्यून सिस्टम से बच जाती हैं तो क्या होता है, कुछ सीक्रेशंस होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, वो होते हैं अल्फा इंटरफेरॉन। तो अल्फा इंटरफेरॉन एक्चुअल में क्या होते हैं, इम्यून मॉड्यूलेटर होते हैं, है ना, इनका कुछ नाम होता है इम्यून मॉड्यूलेटर। तो ये जो इम्यून सिस्टम होता है उसको थोड़ा मॉड्यूलेट करते हैं, इम्यून सिस्टम को जगाते हैं, ये जो सेल एस्केप हो गई है तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, इम्यून मॉड्यूलेटर्स के अंदर आते हैं अल्फा इंटरफेरॉन और वो फिर कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना। तो ये क्या है, इसका कुछ ट्रीटमेंट है। तो गाइज इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और भी टॉपिक्स जो आपको टफ लगते हैं और जिन पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो लेके आएँ उनको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।